तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस कमाल के और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिस्ट गन को बनाने वाले। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ये कितने ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक कार्डबोर्ड को ले लिया और इसका ऊपर वाला जो ये लेयर है हम लोग कुछ इस तरह से इसको उखाड़ के निकाल लेंगे। और दोस्तों हम लोग का इस वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पर इस तरह से जो दिख रहा है, इस वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो आपको अपने कलाई के हिसाब से यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने कलाई के हिसाब से मैंने इसका जो साइज़ है वो ले लिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक और कार्डबोर्ड ले लिया है। तो दोस्तों इसको लेने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग फेविकॉल लगाएंगे। इसके ऊपर फेविकॉल लगाने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग कुछ इस तरह से चिपका देंगे। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, आपको इसको बिल्कुल बीचों बीच में चिपका देना है। दोस्तों हम लोग इसको क्यों चिपका रहे, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से चिपका दिया है। दोस्तों इसको चिपकाने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से जब हम लोग इसको कलाई में बांधेंगे तब ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टैंड में रहेगा, मतलब इधर उधर नहीं घिसक जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसमें अच्छी तरह से फेविक्विक को लगा दिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड ले लिया। दोस्तों ये जो हम लोग का मोड़ेंगे, इस मोड़ने के लिए लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है। दोस्तों मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि हम लोग जब इसको मोड़ेंगे तब यहाँ पर ये हम लोग का अच्छी तरह से चिपक के फिक्स हो जाएगा, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा पतला रखा है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने फेविकॉल लगा दिया और हम लोग कुछ इस तरह से इसको मोड़ के इसको हम लोग कुछ इस तरह से चिपका देंगे और इसका हम लोग एक रोल बना लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग इसको चिपका देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। दोस्तों इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग देके इसको चिपका दिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो चलिए इसको भी मैं फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसको चिपका कर फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों जब हम लोग इसको अपने कलाई में पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक सिरिंज ले लिया है। इस सिरिंज को लेने के बाद यहाँ पर इसका जो नीडल हम लोग इसको निकाल देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है। और इसका ये वाला जो स्टैंड है हम लोग का, इसका भी कोई काम नहीं है, हम लोग इसको भी निकाल देंगे। सिर्फ इसके अंदर जो ये वाला रबड़ लगा हुआ है हम लोग इसको ले लेंगे और इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो दोस्तों हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग का जो सिरिंज है, इस सिरिंज को हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर हम लोग इसको फेविक्विक की मदद से चिपकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग का जो सिरिंज इसमें चिपक सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसमें गैप बनाया। अब दोस्तों सिंपल से हम लोग अपने सिरिंज को कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे और इसको भी हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से चिपका के फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड का सिर्फ थोड़ा सा पट्टी ले लिया है। दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर चिपका देंगे, ताकि हम लोग को ये दिखने में थोड़ा सा फिनिशिंग लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से चिपका दिया। तो दोस्तों ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक पाइप को ले लिया। दोस्तों ये जो आईवी सेट वाला पाइप होता है मैंने वो वाला लिया है। ये वाला पाइप आपको मेडिकल दुकान में 10 रुपये में इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पाइप का जो एक वाला मुंह है हम लोग इसके एक वाले मुंह के कुछ इस तरह से अपने सिरिंज के मुँह में कुछ इस तरह से हम लोग इसको डालेंगे। तो दोस्तों इसका जो मुँह था वो थोड़ा सा छोटा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करके इसको बड़ा कर लिया था। तो दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद मैंने इसको फेविक टेप की मदद से कुछ इस तरह से इसको चिपका के फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक और सिरिंज ले लिया, इसके भी हम लोग नीडल को निकाल देंगे, इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों इसके दूसरे वाले एंड में हम लोग कुछ इस तरह से इसके मुंह को हम लोग लगा देंगे, तो हमें इतने बड़े पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग इसको काट लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलाई में लगाने के बाद इस वाले पार्ट तक हम लोग इसको कट कर देंगे। दोस्तों इसको कट करने के बाद यहाँ पर इसके दूसरे वाले साइड को भी हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे और इसके बाद हम लोग इसको भी टेप की मदद से फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको टेप की मदद से अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब दोस्तों इसको अपने हाथ में पहनने के लिए यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया। इस रबर बैंड को हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका के फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों हम लोग का जो गन है अब ये बुरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले इसको अपने हाथ में पहन लेते हैं। इसको हाथ में पहनने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से अपने हाथ में इसको रबर बैंड की मदद से इस तरह से फंसा देंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सिरिंज है इसको आपको कुछ इस तरह से खींचना है, इसके ऊपर आपको एयर भर लेना है। उसके बाद हम लोग का जो रबड़ था जो कि हम लोगों ने सिरिंज से निकाला था, दोस्तों ये हम लोग का बुलेट है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल इसके आगे में इस तरह से फंसा देंगे। उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरह से दबाना है तो ये एयर प्रेशर की वजह से बहुत तेज़ी के साथ चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं।